और भी अपने दोस्तों को बताना है। एक सेकंड लगना आपकी जिंदगी की हफाजत आई है, हेलमेट जो आपकी जिंदगी की हफाजत है, बाइक एक्सीडेंट में जो डैमेज होता है वो सिर्फ हेलमेट ना पहनने उसको पिन है, ठीक है, ओवर स्पीड नहीं चलाना, बिल्कुल कंट्रोल्ड बाइक चलाना, आराम से, अच्छी सवारी है लेकिन चलाया सारे चिंता से चला रहे हैं, ये हेलमेट परमानेंट है, बाइक स्लो चलाना है, प्यास चलाना है और इसको कभी नहीं भूलना, ठीक है, जो हम ट्रैफिक से कहेंगे आपके हेलमेट चेक करके अंदर इसको नंबर लगा लेंगे, चेक करके अगला हमारा ये प्रॉब्लम है ताकि अपना चेक ना कर सके, हेलमेट नहीं भूलना, ठीक है, इसलिए दे रहे हैं आप अपने बॉक्सर का सामान, किसी वजह से एक्सीडेंट्स में जो हेलमेट है वो बिजली का पार्ट बनता है, आपकी जिंदगी हमारे लिए कीमती है और आपके बॉक्सर में ये और लोगों को भी बताना है। सबसे ज़्यादा मैं ट्रैफिक में दोस्त आ रही है, सबसे ज़्यादा जो हम बात कर रहे हैं हेलमेट जो पेन है, ठीक है, बहुत शुक्रिया SHO दातोड़ यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं और जानू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ये एक हेल्दी एक्टिविटी की है हमारे बच्चों के लिए कि उनको हेलमेट पहनाया जाए और फिर रोड पे खड़े होकर वहाँ से गुजरने वाले जो दूसरे लोग हैं वो भी इससे उनको भी इससे मोटिवेशन मिले। तो इससे पहले मैं ट्रैफिक में रही, मुझे इन चीज़ों से वास्ता पड़ता रहा, मैं देखती रही हूँ कि बहुत छोटे बच्चे हमारे बगैर हेलमेट के कम उम्र जो है वो एक्सीडेंट्स उनसे होते हैं, व्हीलिंग कर रहे होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हम बात हैं वो मोटरसाइकिलिस्ट की होती हैं, और ये नहीं कि वो मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं इस वजह से होती हैं, बल्कि वो हेलमेट का यूज़ नहीं करते और फिर ओवर स्पीड होते हैं और बहुत सारी और जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना होता है वो नहीं करते। तो ये एक बड़ी हेल्दी और बड़ी अच्छी एक्टिविटी की है जो जिन लोगों ने भी ये ऑर्गेनाइज़ की है और जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब के लिए भी सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और आप यही पैगाम दूँगी कि सब लोगों को मिलकर पुलिस के साथ इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों में ट्रैफिक रूल्स की जो है आगाही आए, शऊर आए, और अल्लाह करे हमारे बच्चे महफूज हों, हम इनको महफूज बनाएं और कम से कम जो है वो एक्सीडेंट्स, और इंशाल्लाह इसके लिए हम आज हमने एक वाक भी रखी हुई है और इसके बाद फर्दर फर्दर आगे हम स्कूलों में भी जो है वो जाके अपने बच्चों को ट्रैफिक रूल्स पे जो है ना वो लेक्चर्स देंगे। अल्लाह से दुआ है कि इसके लिए जो है ना वो हम जो एफ़र्ट्स करें वो बेहतरी है इंशाल्लाह आएगी। बहुत शुक्रिया। इतहाई काबिल एहतराम DSP मैडम जमीन साहिबा, जालूर फेडरेट ट्रस्ट जासर साहब और जिनके साथी पुलिस के साथी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, IG साहब की तरफ से भी ये पैगाम था कि जो हेलमेट है उसका इस्तेमाल किया जाए और लोगों में आगाही मुहिम चलाई जाए, उसके लिए एक बेहतरीन एक्टिविटी आज मैनेज की गई है जिसमें बहुत से बच्चों को हेलमेट तकसीम किए गए हैं और एक पैगाम दिया गया कि हेलमेट जो होता है बाइक ड्राइविंग के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। देखा गया है कि जहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट होता है और सबसे ज़्यादा जो मुतासर होता है वो बाइक ड्राइवर का जो सर का हिस्सा है, हेड इंजरी होती है जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है, हेलमेट उनको महफूज करता है। हेलमेट एक ज़िंदगी नहीं महफूज करता, अगर कहाँ कहीं पे कोई ज़िंदगी जाती है तो उसकी पूरी फैमिली जो है वो मुतासर हो जाती है और एक हेलमेट की वजह से आपकी पूरी फैमिली जो है वो महफूज हो जाएगी। और इंशाल्लाह आज जो वाक है इससे और अच्छा मैसेज जाएगा लोगों में
और हम सब ये चाहते हैं आप लोग जिनको हेलमेट दिए गए वो भी जाके लोगों को बताएं कि हेलमेट जो है वो आपकी ड्राइविंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। और इंशाल्लाह इसी तरह की एक्टिविटीज़ हम जो है वो मिल के जालूर फैनफेयर के साथ भी और दीगर लोगों के साथ भी इंतजामिया मकम्मल तौर पर कोऑर्डिनेशन रखते हुए मुख्तलिफ स्कूलों में जाके मुख्तलिफ जगहों में नाकाबंदी करके ये पैगाम पहुँचाएगी। और जब ये पैगाम पूरी तरह पहुंच जाएगा उसके बाद जो लोग इसकी पाबंदी नहीं करेंगे उनके खिलाफ इंशाल्लाह जो कानूनी कार्रवाई है वो भी लाई जाएगी। थैंक यू सो मच। इंतज़ामिया का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला। इंशाल्लाह हम आगे भी मिलकर इंतज़ामिया के साथ ऐसी और बहुत सारी चीज़ों पर हम काम करने जाते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। इंतज़ामिया साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम वॉक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैडम कहेंगी वो काम है, मैं आपके साथ। इस वक्त रेली हिल्ला बाज़ार में पहुँची है जी। हिल्ला बाज़ार यूनियन काउंसिल बंगोई का कदीमी बाज़ार है। हिल्ला बाज़ार कदीमी बाज़ारों में इनका शुमार होता है इस खूबसूरत बाज़ार का। और इस वक्त जालूर वेलफेयर ट्रस्ट की और जो रैली है वो हिल्ला बाज़ार से गुजरती हुई।